हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रिया क्रीमी क्रिएशन में। आज मैं एक नई रेसिपी फिर लेकर के आई हूँ, जिसे हम आम की लौंजी बोलते हैं या आम की खट्टी मीठी चटनी बोलते हैं, हम इसे गुड़म्बा भी बोलते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चे इसे रोटी से खाना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ 1 केजी कच्चा आम ली हूँ, जो मीडियम साइज में है, और मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। अब हम इसके ऊपर के छिलके को हटाएंगे। आम के ऊपर के छिलके को मैंने अच्छी तरह से हटा दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट करेंगे। मैं आम के छोटे टुकड़े कर ली हूँ, आप अपनी पसंद से इसके टुकड़े कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे पकाते हैं। गैस में एक कढ़ाई रखेंगे, जिसे हम गर्म होने देंगे। इस तरह से हम हाथ से चेक करेंगे कि कढ़ाई गर्म हुआ है कि नहीं। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून काला सरसों, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून कलौंजी और 4 टीस्पून मैं सौंफ डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे सौंफ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपने पसंद से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हींग भी इसमें डालेंगे। सबको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कटे हुए आम डालेंगे। मैं यहाँ आधा आम पहले डाल रही हूँ और सबको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद बाकी बचे हुए आम को डालूँगी। मैं इसे अच्छी तरह से चला ले रही हूँ, अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब बचे हुए आम को मैं इसमें डाल रही हूँ, अब इसे भी मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालूंगी। नमक अभी कम डाली, क्योंकि बाद में भी इसमें नमक और चाट मसाला ऐड होगा, इसलिए। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डालेंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पांच मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे पकाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। सबको एक बार चला लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में इसे पकने देंगे। बार बार हम इसे चलाते रहेंगे। आम पका है या नहीं हम एक निकाल करके चेक कर लेंगे। इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आम बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। तब हम इसमें 3 कप गुड़ ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम में ही इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, जिससे गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। टू टीस्पून चाट मसाला भी इसमें ऐड करेंगे। सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। फिर से हम सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि गुड़ इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। हम इसे थिक होने तक पकाएंगे।
गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। आप इसे टेस्ट करके जरूर देख लें, अगर मीठा कम हो तो गुड़ इसमें और डाल सकते हैं। बार बार हम इसे चलाते रहेंगे और इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, हम थोड़ा और इसे पका लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद गुड़ और जम जाता है। अगर हम इसे अभी ही गाढ़ा कर लेंगे तो ये ठंडा होने के बाद ये जम जाएगा। बस हम इसी कंसिस्टेंसी में हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आम की खट्टी मीठी चटनी बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। आप इसे तुरंत खाएं या फिर इसे आप एक जार में डाल के फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।